सो दिस इज पार्ट सिक्स वीडियो ऑफ आवर क्रैश कोर्स। तो अभी तक हम लोगों ने 32 क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर फाइव आई थिंक चैप्टर नंबर सिक्स तक जो हमारा पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वहाँ तक कर लिया था हमने। तो इसमें पार्ट वन पूरा कंक्लूड हो जाएगा। टोटल 38 टोटल 38 क्वेश्चन पार्ट वन से आपका रहा, जिसमें आखिर का दो चैप्टर जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करेंट और ईएम वेव है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में लिस्ट कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट और वीडियो ले सकते हैं। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से ज़्यादा। चाहे तो आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी एक आंसर मैंने भी लगा दिया है इसके सारे क्वेश्चन के आंसर, आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। बट क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आर रह गया, ये फेजर डायग्राम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बताना है। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेसिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर सर्किट। बेसिकली यही चार जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ओके, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम जो भी मैं जस्ट इसके बाद मैं बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमें पावर का डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला ऑफ पावर इन एन एसी सर्किट। ये इस चैप्टर से अगर कोई डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो यही है। ओके, यही ज़्यादातर पूछे। उसका एलसी ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करना है, उसका ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा उस क्वेश्चन के सीरीज में जिसमें हमें प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन वगैरह दे के लिखना पड़ता है, तो ये ट्रांसफार्मर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चाहे तो ऑप्शन में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7.6 पेज नंबर 271 एनसीईआरटी पार्ट वन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एसी का एक्सरसाइज का 1, 2, 4, 6, 11 ये सारे क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर लेंगे तो एसी के सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। जनरली होता है क्या, एसी से थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल भी ध्यान रखेंगे। और ईएम वेव से जो हमारा है हमें मैक्सवेल के 4 इक्वेशन बताने हैं। ओके, ईएम वेव से मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हमें बताने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बता भी दूंगा कहाँ मिलेगा और नोट्स भी मैं दे दूंगा। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से आपका 1 मार्क्स और जनरली ऑब्जेक्टिव ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो किसी से भी आ सकता है, इसमें कोई कह नहीं सकते कि किस पॉइंट से किस रेंज के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके आंसर के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ईएम वेव जो आखिरी एक्सरसाइज है वो अगर खोलेंगे तो टेबल 8.1 है पेज नंबर 283 पे, उस टेबल को आप याद कर लेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह दे रखा है, यूजेस दे रखा है, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट इतने पॉइंट्स है। बाकी इस चैप्टर में एक मैक्सवेल के इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। इन शॉर्ट मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, आप वहां से लिख सकते हैं। बाकी जिसका भी आपको नहीं आएगा, हालांकि ये इन दो चैप्टर का तो मैंने डिटेल वीडियो नहीं डाला है, बट आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रहा एसी हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेसिस्टर। ओके, रेसिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट का, तो ये तो पूरा डिटेल नोट्स रहा। अगर एसी सोर्स से अगर हम रेसिस्टर को कनेक्ट कर दे तो हमारा क्या होगा, ये रहा उसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। अब वेव डायग्राम फेजर डायग्राम में क्या याद रखना है, तो वेव डायग्राम तो चलो ठीक है, फेजर डायग्राम ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें वोल्टेज और करंट जो है दोनों साथ साथ चलता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है, वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने जो नोट्स अटैच किए ये पूरा डिटेल नोट्स है, अगर एसी थ्रू इंडक्टर पूरा टॉपिक आपको पढ़ना हो वो भी आपको इसमें दे रखा है, और बाकी टू द पॉइंट आंसर जो हमने कहा है, तो आप एक नज़र ये सब भी देख लेंगे। चांसेज है कि इसमें से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। इंडक्टर से अगर एसी सोर्स को कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, तो ये हमारा इंडक्टर रहा, ये एसी सोर्स रहा, इससे कनेक्ट करने पे हमारा जो इक्वेशन बनता है बेसिकली। अब ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से आपका आई थिंक नेक्स्ट पेज में है इसका फेजर डायग्राम। ओके, दिस इज द फेजर डायग्राम एंड वो ऊपर का टोटल कंप्लीट नोट्स है। तो फेजर डायग्राम आपका कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कि एलसी सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है पाई बाई टू से। देखिए इस कर्व में पाई बाई टू 90 डिग्री से, दिस इज ईएमएफ ई। ओके, या वोल्टेज बोल सकते हो, ये जो है करंट से पाई बाई टू आगे चल रहा है। ओके, पाई बाई टू, तो वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई टू। ओके, और ये रहा हमारा वेव डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर। अब फिर से एसी सर्किट में कैपेसिटर हमने लगाया तो क्या होगा, उसका है यहाँ पे, तो एसी थ्रू कैपेसिटर जिसका नोट्स आपके सामने है पूरा डिटेल नोट्स, अगर आप रीड करना चाहें तो ये सारी नोट्स से सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में।
तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्व करना, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशन अटैच कर दिया हूँ सारे वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप अपना नोट्स भी प्रीफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी प्रीफर कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, है ना, तो सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटर एसी सर्किट में हो तो कितना रेसिस्टेंस देगा, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये फेजर डायग्राम, इसको ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा उल्टा चलेगा, यहाँ जो हमारा इंडक्टर में क्या होता था, करंट पाई बाई टू से लैग करता था, इसमें करंट पाई बाई टू से लीड करेगा। ओके, करंट लीड वोल्टेज बाई एंगल पाई बाई टू। ओके, नाउ मूविंग टू आर द नेक्स्ट एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, ये एलसीआर सर्किट हो गया। ये आपका कंप्लीट नोट है एलसीआर सर्किट में। एलसीआर सर्किट में ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ओके, ओके बाद एलसीआर सर्किट का आपके पास वेव डायग्राम ये रहा। मैं पूरा नोट्स आपको एक और पूरा डिटेल नोट्स आपको दिखा दूँ। दिस इज द कंप्लीट नोट्स। इंपीडेंस बोलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फॉर्मूला जो भी रेड में हमने लिखा है ये ध्यान रखिएगा। अगर इंडक्टर कैपेसिटर और रिएक्ट रेसिस्टर तीनों अगर सर्किट में लग जाए तो उसे एलसीआर सर्किट बोलते हैं। जिसका कंप्लीट रेसिस्टेंस कंबाइंड तीनों मिलकर जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे इंपीडेंस बोलते हैं, जो जेड है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी ये टेन फाइव फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। This is the wave diagram, and the next page you will get the phasor diagram. Okay, I think phasor diagram. Okay, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगर XL XC दोनों बराबर हो जाए तो इंपीडेंस R के बराबर होगा। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो टेन फाइव पॉजिटिव होगा। सर्किट को इंडक्टेंस सेट टू बी इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट। ये तीनों पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ध्यान रखिएगा। नाउ रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस हमने वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, बट रेजोनेंस का डेफिनेशन वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे, चांसेस है कि रेजोनेंस से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एक नज़र इसके डेफिनेशन वगैरह पे भी आप देख लेंगे रेजोनेंस पे। हाँ, नेक्स्ट मूव करता हूँ एवरेज पावर। अब देखो एवरेज पावर, यही जो मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एवरेज पावर। ओके, एवरेज पावर, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ से मैं एक बार पूरा नीचे कर देता हूँ, सॉरी जस्ट मूविंग इट। तो ये पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना, एक बार सारे का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जैसा जैसा आपको नीट लगे। बाकी मैंने पूरा डिटेल नोट्स भी नीचे लगा दिया है। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर का एकमात्र इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए ऐसा नहीं कि डर के इसको छोड़ देना है। इसको एक दो बार लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैथमेटिकल स्टेप है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ तक आपका डेरिवेशन है। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बाकी ऊपर जो रिजल्ट है उसी से निकाला गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस केस में क्या होगा, पावर की वैल्यू एवरेज पावर कितना होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, ये ध्यान रखना। एलसी ऑसिलेशन, अब एलसी ऑसिलेशन के बारे में कंप्लीट नोट्स आपका इतना ही रहा। ये यहां से एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, इन कैपेसिटर और इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर के पास अपना एनर्जी होता है, वही एनर्जी इस सर्किट में ऑसिलेट कर रहा होता है। ओके, तो वो सारी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट्स आंसर ले ले। बेसिकली मेरा काम अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना है क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। ओके, हर चीज़ को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो पीछे तक के सारे चैप्टर का तो डिटेल लेक्चर है, बाकी यहाँ से आप देख लेंगे। बट ये थोड़ा सा कुछ फिगर है, आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, चाहो तो ये बना लो या छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये बना सकते हो या छोड़ सकते हो। अब ईएम वेव, आई थिंक ट्रांसफार्मर। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये आपके 5 मार्क्स के लिए ट्रांसफार्मर। ये तो एकदम अच्छे से आप कर लेना इस चैप्टर में। अगर सबसे पहले किसी चीज़ को कंप्लीट करना हो तो आपको ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करना है। ओके, जिसका आंसर मैं पहले भी सारे वीडियो में बता चुका हूँ, हर वीडियो में एक आध इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो ये लास्ट है आपको उस तरह के क्वेश्चंस का। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन के साथ पूरा डिटेल
यहाँ पे मैंने पूरा एकदम आइडियल आंसर लिखा है, जो आप एग्जाम में चाहे तो एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद वर्किंग थ्योरी रहा इसका, इसी से ये आपका ट्रांसफॉर्मर का ही सारे पार्ट्स है, ये सारे ट्रांसफॉर्मर के ही पार्ट्स है, ये सबको आप देख लेना अच्छे से, ये ज़्यादातर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, ओके यहाँ देखिए ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये आपका स्पेशल, ये अपने आप में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है डायरेक्ट। एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें फ्लक्स लीकेज, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ईडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, इस तरह के लॉसेज के बारे में आप बता सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसके लिए और डेप्थ में पढ़ना हो तो पेज नंबर 261 पे दे रखा है, बाकी आप देख लेना फ्लक्स लीकेज। तो पेज 261 में क्या मिलेगा आपको, इसी के बारे में दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन है। तो आप ये अलग से एक बार इसको एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह तैयार कर लेना। अगर ट्रांसफॉर्मर आता है 5 मार्क्स में तब तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा उसमें, अदरवाइज 2 या 3 मार्क्स में आपका ये स्पेशली पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी चैप्टर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड ईएमवेव। अब ईएमवेव में मैक्सवेल के 4 इक्वेशन इस चैप्टर के, जो अगर कुछ पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह भी पूछा जाता है, बट ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन जो है ये आपके सामने है, यहाँ पे कर सकते हैं मैक्सवेल के 4 इक्वेशन, यही 4 इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेके आप चाहो तो स्टेटमेंट अगर छोड़ना हो तो डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन भी अगर याद रखोगे आप तो चलेगा, ओके सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट यही दे रखा है, तो आप ये भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। अब बाकी पूरा लिखो तो और भी बेहतर। और उसका डिस्प्लेसमेंट करंट का है, बाकी तो ये हमारा ईएमवेव का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईएमवेव डिस्प्ले, ओके डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार आप देख लेना, ओके डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन हमने लिख दिया है, हालांकि क्वेश्चन में मैंने तो नहीं लिखा है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन आप देख लेना यहाँ से, ओके। हाँ इसके बाद ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, मैंने सारे का आंसर आपको इस वीडियो में मैंने दे दिया, अगेन पूरा डेप्थ में मैं नहीं गया इसलिए, क्योंकि अगर पूरी सारी टॉपिक को डिटेल में समझाया होता वीडियो 2.5 से 3 घंटे का होता, तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर तैयार करें। एक बार मैं हाँ ये रहा, तो ये आखिरी का जो आंसर है ना मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, ये आज का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टेबल को आप याद कर ले, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम पार्ट 1, ओके। पार्ट 1 के से आपको मैंने 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, और सारे क्वेश्चन हमारा लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से आपका फायदा ये होता है, मतलब मैंने टॉपिक तो उससे अगर छोटे क्वेश्चन भी सपोज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, चूंकि आपने देखा हो कि सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबे आंसर है, तो ऐसा करने से फायदा ये होता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन सिर्फ 38 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप मोर देन 100+ क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है। कैसे, अगर 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया पूरा डिटेल, तब उस सपोज इसी में मैं बोलूँ आपको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, या इसी में मैंने पावर फैक्टर के बारे में आपको बताया, पावर फैक्टर का डेरिवेशन इसी में, तो पावर फैक्टर का पूरा डेरिवेशन आपने कर लिया, आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, तो उससे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो भी आप डील कर सकते हो, 3 मार्क्स के आएंगे डेरिवेशन तो भी आप डील कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली आपका पूरा तैयार हो रहा है, इसलिए थोड़ा आंसर लॉन्ग जाता है। बाकी आप ये क्वेश्चंस को डिटेल में तैयार करें और लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, जिसमें पार्ट 2 कल मैंने बोला था, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन अटैच कर दूं पार्ट 2 के एक सिंगल वीडियो में, पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर मैं अटैच कर दूं। तो कल मैं भी कोशिश करूंगा, 26 तक मैंने बोला था, तो 26 तक मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा।